नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर लोन का रिपेमेंट नहीं किया जाए तो क्या हो सकता है, क्या एजेंट घर पे आते हैं या लीगल एक्शन होता है या तो फिर आपके लोकल पुलिस स्टेशन से आपको बुलाया जाता है। आज के इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आप भी सीख जाएंगे कि NBFC से जो लोन आपने लिया है किसी कारणवश से अगर आप उसका पैसा चुका नहीं पा रहे हैं तो आप के मन में जो डर है उसको कैसे करके आपको निकालना है। यकीन मानिए आज के बाद ये नियम अगर आपको पता हो जाएगा जो क्या नियम है तो आज के बाद कोई भी रिकवरी वाले ना ही कोई एजेंट आपको यहां पे परेशान करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी लोन ऐप से लोन लेते हैं और उसका पैसा आप नहीं चुकाते हैं, जैसे कि समय हो जाता है लेकिन आप पैसा नहीं चुका पाते हैं, अब पैसा जैसे ही आप नहीं भरते हैं ना तो कंपनी सबसे पहले आपको जो है रिमाइंडर कॉल करता है। अब रिमाइंडर कॉल वो जो है कंप्यूटर से भी आ सकता है या तो फिर ऐसे जो उनके कस्टमर केयर बैठे हैं वो भी आपको कॉल कर सकता है। तो जो वहाँ पे एक ही चीज़ आपको बताया जाता है कि सबसे पहले जो है आपका जो लोन डिफॉल्टर आप बन रहे हैं, जो कि EMI आपका यहाँ पे नहीं भर पा रहे, उसको यहाँ पे क्लियर कीजिए, अन्यथा आपका जो है सिबिल स्कोर खराब होगा। पहले स्टेप में आपको एक ही चीज़ बताया जाएगा कि सिबिल स्कोर खराब होगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन 5 दिन 10 दिन चला जाता है तो उसके बाद उन लोगों का जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है प्लेंटी का। अब वहाँ पे जैसे ही आप अपना एप्स को खोलते हैं कि मेरा कितना का ओवरड्यू है मैं देखूंगा, तो जैसे ही आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं पर डे एक नया जो है वहाँ पे प्लेंटी चार्ज लग जाता है। अब जैसे कि सपोज डेट कि आपका 5,000 का लोन है, उसमें से आपका जो अमाउंट है ओवर ड्यू यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, EMI जो है वो आपका 2500 का है, लेकिन आप उसका पैसा नहीं दिए तो वहाँ पे डेली जो है 50 रुपया से 100 रुपया के बीच में पेनल्टी लग रहा है। अब आपके मन में ये जो चीज़ है वो चल रहा है कि अगर मैं इसको 10 दिन 50 दिन नहीं पेमेंट करूँ तो ये 50 रुपया जो डेली का पेनल्टी है ये डेली जोड़ा जाएगा, जबकि 30 दिन में 1500 हो जाएगा, यानी कि पूरा पैसा कितना हो रहा है, 2500 का अमाउंट को अभी 4000 में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद 5000 में 8000 में 10000 में और 5000 का ही लोन है। तो फ्रेंड, ऐसे में काफी लोग परेशान हो जाते हैं, क्या मुझे पूरा पैसा भेजना पड़ेगा। अब जब 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो जाता है तो उसके बाद ये जो है आपका मैसेज आना बंद हो जाता है, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल भी किया जाने लगता है, जिसमें आपको बार बार कॉल किया जाता है, आपको एक ही बार बोला जाता है कि आप पैसा क्यों नहीं चुका रहे हैं, पैसा अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ पे जो है लीगल डिपार्टमेंट को आपका जो नंबर है वो भेज देंगे, फिर वो आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लेगा, आपको जो है 420 या बहुत सारे धाराओं में वो लोग बताते हैं, डराते हैं और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और आपको जो है हम लोग यहाँ पे कोर्ट तक ले जाएंगे। तो फ्रेंड, क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल होता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी चीज जो होता है वो प्रोसीजर से होता है, बिना नियम का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नियम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नियम ये कहता है कि RBI या तो फिर RBI जो है वो सभी के लिए नियम जारी करता है, चाहे बैंक हो, NBFC हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए RBI नियम जारी करता है। और बैंक वाला का क्या नियम है वो पहले सुनिए तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये नियम NBFC वालों के लिए भी क्यों नहीं होगा। देखिए, बैंक का नियम है कि अगर आप किसी लोन लिए हैं और उसका पैसा चुकाने में आप असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है, जो आपका किस्त है EMI है उसको आप डाल नहीं पा रहे, तो आपको एक लिखित आवेदन दे देना है अपना बैंक में जाकर, और बैंक में बता देना है कि अगला महीना से मैं जो है किस्त का पैसा चुकाने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे यहां पे कोई विकल्प दीजिए ताकि मैं यहाँ पर पूरा लोन अपना क्लियर कर सकूँ। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं पैसा नहीं दूंगा, पैसा तो आपको देना है, लोन आपने लिया है आपको देना है, लेकिन आप विकल्प ले सकते हैं। उसी प्रकार का NBFC कंपनी के साथ भी यहाँ पे होता है, अगर आप पैसा देने में देरी कर रहे हैं और आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ईमेल पे जो कंपनी का मेल ID है, ठीक है, उनको भेजिए, जो ये मेरा प्रॉब्लम है और अभी मैं ई महीना को जो है पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर जो भी रिकवरी वाले आते हैं उनको बताइए, या तो फिर जो कॉल कर रहे हैं उनको बताइए। अगर ये कहने के बावजूद भी आपका जो है यहाँ पे नहीं सुना जा रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं सुन रहा है और आपको बार बार कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इनके कॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन एक आता है जिसको आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करना है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा
कि जैसे ही कोई भी स्पैम कॉल आपके मोबाइल फोन पे आते हैं तो ऑटोमेटिक वो बता देगा कि भैया ये कंपनी का कॉल है, और ऐसे कॉल को आप उठाना बंद करें, इग्नोर करें, ठीक है। क्योंकि फिलहाल तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो उनसे बातचीत करके तो कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि वो लोग तो आपका बात सुन नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में उनका कॉल इग्नोर करें। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको WhatsApp पर यह मैसेज पर भेजा जा रहा है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो गया है, आपको जो है यहाँ पे नोटिस भेज रहे हैं, अरेस्ट वारंट भेज रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी अगर नोटिस आ रहा है तो उसको भी इग्नोर करें। देखिए, अगर आपको आपके पास सच में ऐसा कुछ होता है तो आपको बाय पोस्ट आएगा, ऐसा नहीं मोबाइल फोन पे ये सारा चीज होता है। जो भी लीगल प्रोसीजर होता है वो आपको सिर्फ जो है जो एक मतलब एक प्रकार का डराने के लिए किया जाता है। दरअसल आप खुद से समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी मतलब प्रॉब्लम को लेकर जब भी आप किसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर करते हैं तो कंप्लेंट जो भी किया जाता है उसका फैसला तुरंत नहीं होता, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर होता है। अगर कंपनी हर एक कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन लेना चालू कर दे तो उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, जैसे कि उनको वकील हायर करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कुछ 2 साल 5 साल 10 साल कितना दिन चलेगा उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद ही ना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कंप्लेंट किया कल आपको पैसा दे देंगे। तो देखिए ये कुछ है, और मैं आप लोगों को बताऊं कि जल्दी से कंपनी जो है लीगल एक्शन वगैरह लेता नहीं है। और अगर रहा अगर रिकवरी वाले तो वो डिपेंड करता है कौन से एरिया और कौन से सिटी में आप रहते हैं, उस हिसाब से अगर उस एरिया या सिटी में उनका कोई भी जैसे कि ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, खुद ही एजेंट बनकर चले जाते हैं, विजिट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा रिकवरी करना काम है। लेकिन ऐसे ज़्यादातर एजेंट वगैरह आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है RBI कि सुबह 7 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद आप कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कॉल करके परेशान कर रहा है या फिर आपके साथ गाली गलौज मारपीट या जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप मतलब आपके घर पे आके कुछ ऐसे बात बोल देता है जो कि आपको बदनाम करेगा, तो उनका पूरा जो है प्रॉपर एक वीडियो क्लिप बना के रखिए हर एक चीज़ का। जैसे कि अगर आपको फ़ोन पे बोला गया तो आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके रखिए उसका कॉल रिकॉर्ड को, अगर घर आके बोलता है तो उसको भी रिकॉर्डिंग करके रखिए, प्रूफ जरूर रखिए। क्योंकि अगर आप सही हैं, ठीक है, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं और आप सही हैं, तो आपको पूरा प्रूव रखना है उस लोन कंपनी के खिलाफ। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी कंपनी अगर आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेता है तो आप उनको वहां पे प्रूफ दिखा सकते हैं जो मैं किस कारण से पैसा नहीं रिपेमेंट किया हूं, क्योंकि मेरे साथ यहां पे इस तरह का वार्तालाप किया गया था। तो इससे आगे चलकर आपको परेशानी नहीं होगा। और रहा ये एक अनसिक्योर लोन है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसा आता है तब आप पेमेंट करें, सेटलमेंट करें, एकदम लोन क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है भाई, आपने यहाँ पे लोन लिया है, कोई दूसरा चीज़ नहीं किया है, बेफिक्र होकर रहिए, जब पैसा आए तब पैसा दे दीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप लोगों को यही यहाँ पर बताने का जो है तात्पर्य रहा है कि आप लोगों को अगर किसी कंपनी से लोन लिए हैं और कंपनी आपको हरासमेंट कर रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपको पैसा नहीं चुकाना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका पूरा पेमेंट कर दें, क्योंकि समय पर आपको लोन दिया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उसको समय पर पेमेंट करें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले